तो आता नहीं यार। आज हमारा भारत संकट में, हर नागरिक का फर्ज है कि कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। अब सोने का समय नहीं है। देश के नौजवानों को चाहिए कि फौज में भर्ती हों और दुश्मन को भारत की सीमा से पीछे हटाएं। जो ये नहीं कर सकते वो लोग जवानों की ताकत बढ़ाएं, कारखाने और खेतों की पैदावार बढ़ाएं, दामों को लगाम दें, चीजों के भाव बढ़ने से रोकें। अभी हमारे इम्तिहान का समय आ गया, इसलिए फौज में भर्ती होकर अपने देश, उसकी आजादी और इज्जत की रक्षा कीजिए। अधिक से अधिक तादाद में फौज में शामिल होइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या सोच रहा है राठौर? चलो ना। चलो 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 यार, चले। अभी क्या सोच रहे हो? चलो। ठीक हो गए? इसकी बारी, इसकी बारी। अरे राठौर, चलो तुम्हारी बारी है। क्या सोच रहे हो? किलो यार, सुना तुम लोगों ने, हम सबको कुछ करना चाहिए। मगर हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी हैं तो क्या हो, फौज में भर्ती नहीं हो सकते? हम लोग अपने देश की सेना में शामिल होकर दुश्मनों को मार भगाएंगे। लेकिन स्कूल का क्या होगा, पढ़ाई कैसे होगी? क्यों ना हम दान इकट्ठा करें? नहीं नहीं, हम दान को बढ़ने से रोकेंगे। अपने कस्बे में किसी को दाम बढ़ाने ना दे। ये कुछ जचा नहीं। ये सब कुछ नहीं, हम लोग फौज में भर्ती होंगे। मगर फौज में भर्ती होने के लिए 20 साल की उम्र होनी चाहिए, 20 साल की। हाँ ये बात है। अरे हाँ, एक तरकीब है। क्या क्या तरकीब है? बताओ ना। कुछ क्या, क्या, क्या? बताता हूँ, बताता हूँ। आओ मेरे साथ। चलो गौतम, ये लो, जैसे बताया है वैसे ही करना। और हाँ, ये बताओ कि हम लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? सुंदर मन्ना सुंदर है, सचमुच बहुत सुंदर है। मन्ना? हाँ, तो मन्ना जरा आगे आओ। सचमुच सुंदर है, क्या होठ है, क्या नाक है, और ये आंखें तो बस गजब की हैं। जरा इन्हें बंद तो करो। बंद करो? क्यों? जरा इन्हें मूंद लो। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, तरकीब है। तरकीब? तरकीब? ये लो तुम्हारे लिए और ये मेरे लिए, जैसा बताया है वैसे ही करना। खड़े क्या हो, चलो अपना अपना काम करो जल्दी। देखना कहीं 25 साल के जवान के बजाय 50 साल का बूढ़ा ना बना देना। तू टायर तो देखता जा मेरा होना। देखूं क्या? पहले ये आधी मूछी तो ठीक कर। अरे यादव सरजू ठाकुर, हो गया कि नहीं? हो गया हो गया, ओनली फिनिशिंग टच। Thank you.
तुमसे भी ऊंचा हो गया हूँ। और गौतम मुन्ना तैयार हो गए कि नहीं? जी हाँ आते हैं, जल्दी आओ। चलो पैर नीचे करो, ठीक है। अरे यही है। अरे हाँ अंदर आना। आप लोग आइए। 75। आप लोग मैट्रिक पास है? जी 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 हाँ पास है। आप लोग कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जी 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 उम्र क्या है? जी, अच्छा अच्छा ये तो मैं भी देख रहा हूं। अरे वाह तुम तो बड़े करियल जवान नजर आते हो, और तुम्हारी ये मूछें जी बड़ी खूबसूरत है, देखो। ये लो संभालो। बड़े लंबे तलंगे दिखाई देते हो, जरा ये पांव पर उठाओ, उठाओ उठाओ। अच्छा तरीका निकाला है लंबा दिखाई देने का। आखिर आप लोगों ने ये भेद क्यों बना रखा है? सर हम फौज में भर्ती होना चाहते हैं। चीन से लड़ने के लिए। वेरी गुड, हम तुम्हारे जोश से बहुत खुश हैं, लेकिन तुम अभी बच्चे, लड़ाई में भेजे जाने के काबिल नहीं। देश की सेवा के और भी कई तरीके, जाओ कोई और काम कर। सॉरी जेंटलमैन। थैंक यू सर। ठाकुर ए सरजू चलो ना जल्दी करो। चलो। अरे ठहरो राठौर अभी तक नहीं आया। अरे वो तो एक नंबर का लेट लतीफ है, किसी से झगड़ा कर रहा होगा। ये तो 20 पैसे हैं। और कितने चाहिए? 31 पैसे। 31 पैसे? हाँ। क्यों? ये सेठ से पूछिए। क्यों सेठ? 31 पैसे कैसे हुए? यही चालू भाव है। मैं नहीं दूंगा ये चालू भाव। कल तक तो 20 पैसे थे, आज 31 पैसे कैसे हो गए? कैसे हो गए ये पूछो जाके चीन वालों से। एक तुम ही हो, कितने लोग दे रहे हैं 31 पैसे? कोई खुशी से थोड़ी दे रहा है, तुम जबरदस्ती ले रहे हो, लूट रहे हो। जा जा, बड़ा आया छोटा मुंह बड़ी बात। स्टॉक खत्म हो जाने पर 8 आने में भी बोतल नहीं मिलेगी बच्चू। मैं ब्लैक से नहीं खरीदूंगा। तो जा रास्ता नाप। क्या हुआ बेटा, मिट्टी का तेल ले आया? नहीं माँ। नहीं क्यों? राघु पक्का चोर है, एक बोतल पर 11 पैसे दाम बढ़ा दिया। मैं कहाँ से लाता? मगर तेल नहीं लाएगा तो चूल्हा कैसे जलेगा, घर में रोशनी कैसे होगी? जा और पैसे ले ले। नहीं माँ मैं ज्यादा दाम नहीं दूंगा। कारखाने और खेतों की पैदावार बढ़ाए, दामों को लगाम दे, चीजों के भाव बढ़ने से रोक। अभी हमारे इम्तिहान का समय आ गया। ठहरो राघु को मजा चकाता हूँ। तुझे लड़ने के सिवा कुछ और भी आता है? अरे अरे कहाँ चला? लो गौतम और यादव तो आ गए। चलो भाई चलो, देर किस बात की है। मगर चले कैसे, राठौर तो अभी तक आया नहीं। लेकिन देर हो जाएगी तो टाउन स्कूल वाले क्या कहेंगे? राठौर का इंतजार करते करते हम लोग थक गए हैं यार। वो देखो वो आ रहे हैं लाड साहब। अरे कमाल है तुम्हारी, कहाँ से बैठ रहा है? अरे यार तूने तो इंतजार की हद करवा दी। बताओ क्या हुआ? आखिर हुआ क्या?
वो राघु है ना राघु, वो बड़ा बनिया, उसने केरोसिन का भाव चढ़ा दिया। क्या इकतीस नए पैसे बोतल और क्या, कल आठाले बोतल कर देगा, हम गरीब लोग ही मारे जाएंगे। अपने प्रधानमंत्री जी का कहना है कि दाम मत बढ़ने दो, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। अरे यार पहले मैच हो जाए, बाद में सोचेंगे। क्या बात करते हो, ये ज्यादा जरूरी है। थाने में रिपोर्ट लिखवा दी जाए तो? नहीं, राघु की दुकान का बॉयकॉट करें। हाँ ये ठीक है, मैं कैंसिल। तो फिर साइकिल इधर रखो और चलो मेरे साथ। हाँ चलो। राघु धनिया चोर है, मुनाफा खोरी बंद करो। राघु धनिया चोर है, राघु धनिया चोर है, मुनाफा खोरी बंद करो। अच्छा मुनाफा खोरी बंद करो, चुप हो जाओ। कहता है मिट्टी का तेल खत्म होने वाला है और कल से ब्लैक में मिलेगा। एक नंबर का झूठा है, अब कल ही तो गाड़ी आई है। ये तो 20 पैसे हैं। तो और कितने चाहिए? 31 पैसे चाहिए, दाम बढ़ गए हैं। मगर ऐसा क्यों? ये आप सेठ से पूछिए। लो लो भाई बैठ ले लो। क्यों सेठ जी, दाम क्यों बढ़ा दिया? चीन ने हमला जो कर दिया है और क्यों? चीन के हमले से ज्यादा खतरनाक तो तुम्हारा हमला है। दारोगा जी आप, का सरकार गलती हो गई, उसे माफ। बापू की सरकार फिर मैं भाव नहीं बढ़ाऊंगा। भगवान मेरे साथ, मैं बाप मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। सरकार ये माफ कर दीजिए। Thank you.